सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क। तो आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग दिस बाइक। ये बाइक है R15 वर्जन 2 एंड इसमें एक प्रॉब्लम है जो हमको कंफ्यूज कर रहा है हेडलाइट का, तो हम आपको दिखाएगा। अभी बाइक जो हमने स्टार्ट नहीं किया है और अभी हम यहाँ से इसका हेडलाइट ऑन करने से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हेडलाइट जो ऑन हो जाता है, बट अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका पावर जो बहुत कम है। तो अभी अगर हम इसका जो स्टार्ट करके यहाँ से अगर हम थ्रोटल देगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रोटल देने से इसका जो लाइट जो ग्लो होता है, फिर थ्रोटल छोड़ देने से ये अपना आप कम हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइट जो पूरा फ्लिकर कर रहा है, तो यही चीज़ हमको थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल रही है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिकॉज एसी होने से जो मतलब बाइक का लाइट जो मतलब बिना इंजन स्टार्ट करके नहीं जलता है, बट मेरा केस में ऐसे नहीं है। जैसे कि हम इंजन बंद कर दिया फिर भी लाइट अभी जल रहा है, तो ये क्या हो सकता है प्रॉब्लम आप लोग हमको थोड़ा बताओ, क्योंकि हम भी थोड़ा कंफ्यूज है। ये एसी है ना डीसी है, इसमें भी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। अगर ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाने से तब हम इसका लाइट अपग्रेड कर सकिए, बिकॉज अभी इसका लाइट जो ना रात को चलाने में बहुत तकलीफ होता है। सो ये जो रूपा मोड़ वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे हमेशा जाम लगते हैं, बिकॉज गाड़ी जो मतलब नहीं जानते हैं वो जो ऊपर जाने वाला रोड जो जाने वाला है और वो जो जहाँ पे ट्रक खड़ा है वो जो आने वाला है, बट लोग ये चीज़ को फॉलो नहीं करते। इसका वजह से डबल साइड से दोनों चढ़ने के लिए करते हैं, आने के लिए करते हैं, तो इसीलिए जाम लग जाता है। और ये जाम में फंसने से धूल तो खाना ही है, जैसे आपको ये पूरा धूल दिखाई दे रहा है। सो अभी जो है हमने पूरा बॉम्बर सॉम्बर पूरा पहन लिया, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ में ठंडा हो गया एंड पतला जैकेट पहन के बाइक चलाने से बहुत ठंडा वाला एक हवा मारते एंड ऑब्वियसली हम अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स बोमदिला रहमान गैरेज, बिकॉज मेरा बाइक का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इज़ लाइक ये जो लेफ्ट वाला जो हैंडल बार है ये जो थोड़ा बेंड हो गया इस तरफ, एंड उसके वजह से क्या होता है हमको लेफ्ट टर्न लेने से मेरा जो ये हाथ जो है ये टैंकी में बार बार ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके वजह से हमको लेफ्ट टर्न लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और इसमें और एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम लाइक डाउन नामते हैं तो ऑब्वियसली हाथ में स्प्रेन तो पड़ता है ये, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक है, बट लेफ्ट हैंड में कुछ ज़्यादा ही स्प्रेन पड़ता है। तो वही दो चीज़ दिखाने के लिए हम जा रहे हैं एंड हमेशा रहमान गैरेज में ही हम जाते हैं, बिकॉज हम एक ही गैरेज में दिखाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ज़्यादा गैरेज चेंज करने से फिर गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकते हैं इसलिए। सो मेरा पीछे में है कुछ राइडर्स जो लोग बुलेट लेके आया है टूरिस्ट, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गोइंग टूवर्ड्स तवांग, बट आज तो आएगा इन लोग तवांग नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन ये लोग आज मोस्ट प्रोबेबली दिरंग में होल्ड करेगा एंड उसके बाद जो है इन लोग कल तवांग के लिए निकल सकते हैं। सो माई एजम्पशन ओके, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आजकल सब ने जो है वो क्या बोलते हैं बोमदिला को मतलब छोड़ दिया है रहना, और ये लोग आजकल रहते हैं दिरंग में। सो यहाँ पे दो राइडर्स है और भी पीछे में है, तो कब आएगा वो मेरा मौका भी जब हम भी ऐसे राइडिंग कर रहा होगा, भगवान जानते कब आएगा। सो दैट्स हिमालयन, हिमालयन है ना कौन सा बाइक है, आई जस्ट कुडंट रिकॉग्नाइज दैट बाइक। और इसका पीछे वाला मतलब बाइक्स में ना थोड़ा हमको रिकॉग्नाइज जल्दी करने टाइम लगते हैं, बट जस्ट लुक एट देम, मतलब क्या बोलेगा ना, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। हमको भी ऐसे सेम चीज़ करने मन है बाइक में, बाइक में बस एक अच्छा सा टूरिंग बाइक होना है, उसमें सैडल बैग्स लगाना है एंड उसके बाद फुल राइडिंग गियर्स रख के उसके बाद लेट्स ट्रैवल अनस्टॉपेबल। बाइक एक ऐसा कम्यूटर है ना, मतलब इट्स अनस्टॉपेबल। दलदल आ गया, रास्ता छोटा है, बाइक निकल जाएगा, गाड़ी लोग चलो फंस जाता है। पानी है रास्ता में, बाइक को ठेल ठेल के निकल सकते हैं, बट गाड़ी लोग जो है मतलब बल्कि होने की वजह से ये लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। सो इन लोगों को पीछे चल चल के आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आई एम ऑल्सो गोइंग समवेयर इन अ टूरिंग, बट ऑब्वियसली वी आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी। ये लोग जा रहे हैं अपना जर्नी के लिए और हम जा रहे हैं अपना बाइक के लिए, तो लेट्स नॉट चेज देम, बिकॉज चेज करेगा तो फिर इन लोग को होता है ना एक एड्रेनलिन रश जो बोलते हैं, मतलब अगर आपको कोई चीज़ एक बार आपको जो ये एड्रेनलिन रश जो है लग गया ना, फिर आपका बाइक स्लो नहीं होते और स्पीड होते रहते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है जब हमने एक बार गुवाहाटी में कावासाकी निंजा 300 चलाने का हमको बाइक मौका मिला था, एंड उस समय जो है हमने इतना दबाया बाइक को कि हमने उसको फर्स्ट टाइम चलाया, उसके बाद हमने उसको
बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चला देता जो हम अभी नहीं बता सकते आपको, बट समझ जाओ वो भी रंगिया रोड में। एंड उसके बाद मेरा स्पीड जो है स्लो नहीं हो रहा था, सो इसलिए हमने क्या किया, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड हमने मेरा दोस्त के साथ बाइक जो है स्वाप कर लिया, बोला तुम चलाओ निंजा, हमको दो तेरा एवेंजर, सो दैट हम काम दी बाइक को आराम से चला सके। सो शायद प्लेन होने से तो ये बाइक लोग हमको अभी कहाँ तक छोड़ के चला गया होना था, बट अभी भी मतलब मेरा साइड में है। एंड हम लोग मतलब हम स्पीड नहीं भगा रहे, मतलब जस्ट हम भी अपना नॉर्मल राइडिंग में चल रहे, ये लोग भी अपना नॉर्मल राइडिंग में चल रहे, बट क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉर्नर्स है तो ये लोग जी जो भी टूरिंग बाइक्स है दे आर नॉट कॉर्नर फ्रेंडली एज R15, तो ये एक बेनिफिट है। अदरवाइज हाईवे लोग में तो ये बाइक नहीं तो हमको डायरेक्ट फ्लाई बाय दे के गायब भी हो जाना था होगा। सो इन लोग अभी भी ये रास्ता में घुसने वाला था, बट इन लोग शायद श्योर नहीं था, इसलिए फनी है, मतलब होगा सबके साथ होगा, हम लोग के साथ भी होगा अगर हम लोग कहीं नीचे घूमने जाएगा तो, ऑब्वियसली वी विल नॉट बी श्योर कौन सा। सो जैसे जैसे हम लोग बोमडिला के पास पहुँचते जा रहे हैं हवा तो पूरा ठंडा हो ही चुका है और लाइक हाथ में अभी थोड़ा ठंडा फील होने शुरू हो गया, बट अभी यहाँ से बोमडिला जो है ज़्यादा दूर नहीं है, सो हम अभी यहाँ से तो बर्दाश्त कर लेगा, बट आते समय में श्योरली हम हैंड ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा बिकॉज आते समय में रात होगा और रात में जो है ठंडा ज़्यादा ही होता है और फॉग भी हो सकते हैं, सो लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ से अभी रहमान गैरेज ज़्यादा दूर नहीं है, हम सोच रहे हैं लगे हाथ पीछे का जो रियर ब्रेक है उसको भी थोड़ा टाइट कर देगा बिकॉज हम ब्रेक दबा रहे बट कुछ असर नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम सोच रहे उसको भी चेंज कर लेगा। और इसका हॉर्न ठीक टू ठीक है, हम ख़राब नहीं बोलते तो ठीक है, बट इट्स नॉट एनफ फॉर कॉर्नर्स ना, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न का बिना तो लाइक बहुत रिस्की हो जाता चीज़, सो आई विल हैव टू सी एन अल्टरनेट हॉर्न। देखिएगा वहाँ में अभी क्या क्या होता है वो अभी ऑब्वियसली आगे चल के वीडियो में देखिए लो आप लोग ना। सो हम लोग पहुँच गया रहमान गैरेज, ये वाला ठीक है ना, ये स्टीयरिंग ना बेंड हो गया है, और अब ये लाइट को थोड़ा दिख दो होगा, लाइट को थोड़ा दिख दो, हाँ मेरा देखो ये एसी है ना डीसी, देखो अभी हम ये ऑन करके ठीक है ना, एक्सीलेटर देने से कम ज़्यादा होता है, ये जो क्यों ना नहीं ये तकलीफ देते ना, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, इससे नहीं हो के ये वाला बेंड हो गया ना, देख रहे ये इतना लग रहा है ना बाइक, कुछ हमको उल्टा उल्टा बाइक लेते हैं भी नहीं। हैंडल का जो टी ना इसको बराबर करने के लिए आपको तो पतला के वॉश आउट होके ना वॉश आउट होके उसको वेल्डिंग मार देना चाहिए बराबर। चेंज करेगा क्या, खत्म हो गया, चेंज कर देना इसको। एक्चुअली जो है लाइक मेरा हैंडल का प्रॉब्लम नहीं है, इसका हैंडल बार का अंदर में जो टी होता है उसका प्रॉब्लम है, और अभी थोड़ा आप जाके टेस्ट करके देखिएगा कि हाथ में स्प्रेन पड़ते कि नहीं पड़ते, पर जहाँ तक हमने जितना चलाया है लाइक इतना मतलब ये जो डिफरेंस हमको डायरेक्ट अभी डायरेक्ट चलाने में फील हो गया कि पहले तो ये थोड़ा ऐसे होता था अभी थोड़ा ऐसे है, एंड या आई थिंक ठीक है प्रॉब्लम इतना नहीं है, स्प्रेन वो तो थोड़ा बहुत R15 में होगा ही। अभी तो फिलहाल ठीक है, तो वह ठीक टू ठीक मेरा ये फायदा, ये वाला भी ठीक ही था ना, मतलब प्रॉब्लम इसमें नहीं था ना, इसका मतलब इसमें ना ओ फिर भी हम देखिएगा बाद में, हम अगर पैसा होता है बोलने से टी हाँ केसिंग ठीक है, थैंक यू भैया। सो जो मेरा प्रॉब्लम था बाइक का हैंडल का वो तो हो गया, बट
एंड रिगार्डिंग द लाइट तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि लाइक ये एसी है ना डीसी है बोल के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है हमको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देना प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं। हमल भैया ब्रेड तीन ब्रेड नहीं है ब्रेड नहीं है ब्रेड 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 बन रहा कितना देर लगेगा ब्रेड है ना चार तीन 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 वही वीडियो में है हम वीडियो है हम वीडियो बना रहे हैं क्या था दवाई दिया था ना आपने एक बार दिन में खाने से हो गया था ना और सुबह दो बार खा सकते ना हाँ ठीक है थैंक यू। हम लोग का ये प्लेस को जो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं बिकॉज यहाँ धूप जो बहुत जल्दी निकलता है अभी अंधेरा भी हो गया कौन विश्वास करेगा। एंड सो एनीवेज आप लोग भी हमको थोड़ा कमेंट करके बताओ ना कि हम और नेक्स्ट कौन सा जगह एक्सप्लोर करो विद इन वेज कमिंग जो कि शायद आप लोग देखना चाहते हैं। हाँ लेकिन कर दिया वाला दोबारा दोबारा मत बोलो उसको तो हम दोबारा अभी नहीं करेगा बिकॉज अभी पॉइंट नहीं बनता ना। लेकिन ऐसे कोई जगह है जिसको हम नहीं जानते देखना चाहिए तो हम श्योरली देखेगा बट फिलहाल अभी वेज कमिंग हाँ बिकॉज अभी मेरा जो जाने का जो मतलब कैपेबिलिटी है फिलहाल वेज कमिंग तक ही है बिकॉज हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आई विल हैव टू मतलब है कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सो एनीवेज लास्ट में यही बोलेगा कि होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क गुड बाय। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also, follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.